तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे इसके ऊपर के ऑलरेडी 3 वीडियो मैंने बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है? अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर 6,000 ईच एंड ही हैज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। इफ़ ही सेल 1 आर्टिकल एट 50% अच्छा प्रॉफिट, देन हाउ मच लेस परसेंटेज शुल्ड ही सेल द सेकेंड आर्टिकल। सिंपली हमें कुछ नहीं, इसमें परसेंटेज पूछा गया, अगर एक को 50% के प्रॉफिट में बेचा तो दूसरे को कितने परसेंट कम में बेचेगा ताकि उसको नो लॉस नो प्रॉफिट हो, ये हमें क्वेश्चन दिया। तो यहाँ पे हमें क्या दिया, 6,000 का उसने ईच, मतलब दो, ये दोनों है, मैंने इसको भी 6,000 में ख़रीदा और इसको भी 6,000 में ख़रीदा नहीं बेचा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, हम जब मैं दोनों को बेच देता हूँ तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो जाता है, राइट? दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो गया। तो सेम यहाँ पे हम एक रेशो बनाएंगे कॉस्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इधर कॉस्ट प्राइज है और इधर सेलिंग प्राइज। मान लेते हैं पहला आर्टिकल 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% रहता है, उसने 50% प्रॉफिट में बेच दिया। 50% प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस, दोनों के बीच में हम रेशो निकालते हैं। ये है फर्स्ट आर्टिकल, ये है सेकेंड आर्टिकल। पहले का हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, राइट? क्यों? लेकिन हमें यह पता है कि उसने कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा है। मतलब अगर पहला 100% होगा तो उसको 150% में बेचा होगा, मतलब 2:3 का रेशो बन जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 50% बोले तो 1/2, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 2 रुपये था तो उसने 50%, मतलब उसको कितने में बेचा होगा, 3 रुपये में बेचा होगा, राइट? तो आई होप आपको समझ गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते, इसको 100, इसको 150 लेके भी कर सकते, तो इधर 2 आता, इधर 3 आता, तो ये हो गया। दूसरे में क्या बोला है हमें, दूसरे में उसने पूछा उसको कितना परसेंट का सेकंड आर्टिकल पे लॉस होगा कि इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, हमें सीपी नहीं पता है। मान लेते इसका जो कॉस्ट प्राइस है एक्स, क्या यहाँ पे हमें इसका सेलिंग प्राइस पता है? डेफिनेटली पता है। क्यों? क्योंकि जब दोनों आर्टिकल बेचता है तो उसको प्रॉफिट भी नहीं होता, लॉस भी नहीं होता। इसका मतलब क्या, वो दोनों को सेम प्राइस पे बेच रहा होगा। जैसे कि मैंने दोनों को 6,000 में ख़रीदा, दोनों को 6,000 में बेच दिया, तो नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया, राइट? तो यहाँ से क्या आ गया, इसका भी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट? आप दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2+x, ये इसके बराबर रहेगा, राइट? इसका कॉस्ट इसके बराबर रहेगा तभी तो उसको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। ये कितना आ जाएगा, 2+x = 6। तो सिंपली x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4, राइट? तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा हमारा, सिंपली x की जगह 4, ये x था, इसकी जगह पे हम 4 लिख देंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो पहला, दूसरे आर्टिकल में क्या था, सीपी हमारा और एसपी। दूसरे आर्टिकल में मेरा कॉस्ट प्राइस 4 है और उसका सेलिंग प्राइस 3। तो यहाँ पे मुझे कितना पार्ट का लॉस हुआ, एक पार्ट का लॉस हुआ है। कितने पे लॉस हुआ है, 4 पे। तो ये कितने परसेंट के, 1/4 कितने परसेंट के बराबर रहता है, 25% के बराबर रहता है। तो हमें कितना लॉस हुआ इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25% लॉस होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया इसको हम कैसे सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमारे पास एक हमारा क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का है। अ वूमेन सोल्ड 2 आर्टिकल 9,000 ईच, मतलब 9,000 में 2 आर्टिकल को उसने बेच दिया, एंड सी हैज नो लॉस नो प्रॉफिट। ओके, इफ सी सेल 1 आर्टिकल विद 25% प्रॉफिट, देन एट हाउ मच परसेंटेज शुड सेल द सेकेंड आर्टिकल, राइट? वो दूसरे को कितने आर्टिकल परसेंटेज में बेचेगी। यहाँ पे एक्चुअली इधर पूछा था उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कितने परसेंट का, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। इसको सिंपली आप प्रॉफिट और लॉस से करेंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं। तो सेम पहला हमारे पास एक एसपी था, सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये 9,000 का तो कुछ काम ही नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू पूछा ही ना, हमें तो सिर्फ परसेंटेज में पूछा है। ये 9,000 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले उसने क्या किया, इधर पहला आइटम है, इधर सेकेंड आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल। पहले उसने
25% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की होगी तो उसने उसको 125 रुपये में बेचा होगा, राइट, तभी तो 25% के बराबर होगा। तो सिंपली आपको भी पता है 25 बराबर कितना होता है, 25% बराबर 1/4 होता है। अब उसने उसको प्रॉफिट मिला तो डेफिनेटली वो कितने में बेचा होगा, 5/4 रुपीज में बेचा होगा। तो अगर कॉस्ट प्राइज इसका 4 रुपये है, उस पर उसने 25% का प्रॉफिट कमाया तो उसने डेफिनेटली उसको 5 रुपये में बेचा होगा, राइट। अब ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस में क्या कहता है, सी हैज नो लॉस नो प्रॉफिट, उसको ना तो नुकसान होता है ना प्रॉफिट होता है। वहाँ पे हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइज दिया नहीं, तो मान लेते इसका कॉस्ट प्राइज ये एक्स है और ये हमें पता है, क्या हमें इधर का रेशो है। अब आप देख सकते हैं इसने बोला, क्लियरली बोला है नो लॉस नो प्रॉफिट, इसका मतलब यही होता है कि वो जो आर्टिकल बेच रही है वो सेम प्राइस पे बेच रही है, उसका जो सेलिंग प्राइस है सेम है, तो ये 5 हो जाएगा इधर, राइट। अब सेलिंग प्राइस सेम हो गया, अब हम देखते हैं टोटल क्या फ़र्क पड़ा, उसने टोटल कितने में ख़रीदा था और कितने में बेचा था। अगर वो 4+X आइटम किसके बराबर हो जाएगा, ये 25+10 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो सिंपली एक्स बराबर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 6, राइट। ये जो 6 आया वो क्या हमारे पास क्या आया हमारे पास CP आ रहा, तो इसकी जगह पर अगर ये इधर लिखता हूँ CP और SP, इनके बीच में क्या रेशो बन गया, 6 और 5 पे रेशो बन गया, राइट, ये रेशो बन गया। आप देख सकते हैं जो 6 रुपये का सामान उस 5 रुपये में बेच रही, 1 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है, कितने पे, 6 पे, 1/6 आपको पता है कितने परसेंटेज में अगर करेंगे तो कितने के बराबर है, 1/5 विच इज इक्वल टू 16.66%, राइट। आई होप तो इसको कितना लॉस होगा, 16.66%। आई होप आपको क्लियर हो गया अगर इसको हम कैसे सॉल्व करते, इसको आप अगर पूछा होता कितने का लॉस होगा तो भी हम बता सकते थे, ये 6 इधर रखते तो टोटल कितना आ जाता 10, राइट। तो 10 पार्ट बराबर 9000 है, तो 1 पार्ट कितना हो जाता, 900 का हो जाता। अगर 1 900 का आ जाता तो उसने बेचा कितने में होगा, तो 900 उसने जो आर्टिकल कुछ कुछ सेल किया होगा तो कितना, 9 × 5 = 45, तो सिंपली हो जा 4500 में दोनों आर्टिकल को बेचा होगा, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, सनोज बाय 2 आर्टिकल फॉर 3200 रुपये में, ऑन 1 आर्टिकल ही गेन 25% प्रॉफिट, ऑन अनदर आर्टिकल ही गेन 25% लॉस, ओके। इफ द सेलिंग प्राइज ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइज ऑफ ईच आर्टिकल। तो सिंपली हमें सेलिंग प्राइज पूछ लिया, कुछ नहीं बता देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो दिया है, क्या दिया है, 2 आर्टिकल का हमें परसेंटेज दिया है, एक में लॉस होता है एक में प्रॉफिट होता है। तो कुछ नहीं, हमारे पास सेलिंग प्राइज है और कॉस्ट प्राइज है, ये दोनों के बीच में हम रेशो निकालते हैं। पहले वो कितने में बेचा, उसने 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट मतलब क्या है, मतलब अगर वो 100 रुपये की चीज़ होगी तो उसको 125 रुपये में बेचा होगा, राइट। तो सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25% बोले तो 1/4, राइट, मतलब कोई आर्टिकल अगर 4 रुपये की थी उसको हमने 25% प्रॉफिट में बेचा है तो सिंपली हमने 5/4 में बेचा होगा, 5 रुपये में बेचा होगा, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 4 रुपये होगा, आप इसको भी कैंसिल करेंगे तो वही आएगा, राइट। तो सिंपली मैं लिखता, अगर कोई वस्तु 4 रुपये की थी उसको मैंने 1 रुपये बढ़ा के बेचा तो सिंपली मैंने 5 रुपये में बेचा होगा। ये तो हो गया फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर। सेकंड आर्टिकल में क्या होता है, 25% का लॉस होता है, मतलब क्या, मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो तो सेम रहेगा, 4 रुपये का था, उसको मुझे लॉस हो गया, मतलब 4 रुपये की चीज़ मैंने 3 रुपये में बेच दी, राइट, तभी तो 25% का लॉस होगा। अब यहाँ तक तो आप सभी भी कर लेंगे, लेकिन कंडीशन हमें दिया है भाई दोनों का जो सेलिंग प्राइस था सेम था, तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस सेम करेंगे कैसे, अब दोनों प्राइम नंबर है, राइट। तो सिंपली इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 15 हो जाएगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा सेलिंग प्राइस सेम आ जाएगा, राइट। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ कैसा दिखेगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर, तो क्या आ जाएगा CP और ASP, अगर इधर
ये 3 से होल मल्टीप्लाई होगा, आपको भी पता है रेशो में अगर हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते तो सभी को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 4 * 3 = 12, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 * 3 = 15, सेम इधर करेंगे तो हो जाएगा 5 * 4 = 20, ये हो जाएगा 15। तो ये हमारे पास रेशो आ गया है। हमसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस, हमें ये पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, कुछ नहीं बता देते हैं। अब आप देख सकते हैं उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, टोटल 32 था, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, राइट। हमें ये नहीं पूछा उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में बताओ, राइट। तो हमने ये निकाल लिया। अब आप देख सकते उसने ख़रीदा कितने में था, 3200 में, तो ये टोटल इसका कॉस्ट प्राइस कितना, 32। तो हम ऐसा कह सकते ये जो 32 पार्ट है, 32 पार्ट किसके बराबर, 3200 के बराबर है, राइट। तो एक पार्ट की वैल्यू हमें आ जाएगी सिंपली कितना, 1 = 2 0 आ जाएगा, राइट। तो एक पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा, राइट। ये कैसे आया, सिंपली हमें टोटल कॉस्ट प्राइस दिया था और हमने रेशो में पढ़ा है 32 पार्ट अगर 3200 के बराबर है तो एक पार्ट 100 के बराबर होगा। अब एक पार्ट 100 के बराबर, हमसे ये पूछा, हमसे ये नहीं पूछा कि टोटल सेलिंग प्राइस कितने को बेचा दोनों में। उसने बोला सेलिंग प्राइस जो ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का मतलब दोनों का तो सेम ही रहने वाला है, तो एक का 100 है तो 15 का कितना आ जाएगा, 100 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1500। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 1500। आई होप आपको ये समझ गया होगा। इसी के ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, हरी सोल्ड 2 आर्टिकल 1980 रुपये में ऑन 1 2 साइकिल, अच्छा आर्टिकल की जगह पर इसने साइकिल लिया है, एक साइकिल को जब बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे को बेचता है तो 10% का लॉस होता है। तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस पता करने, यहाँ पे एक कंडीशन दिया है इसने कि इसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस सेम है, ये हमें एक कंडीशन दे दिया, राइट। अब इसको सेम उसी के तरीके से सॉल्व कर देते, क्या है, हरी हरी भैया पहले को कितना मिलता है, ही गेट 10% प्रॉफिट, पहले को 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, 10% बोले तो क्या 1/10, ये फ्रैक्शन में करेंगे, अगर कोई 10% प्रॉफिट का मतलब क्या, अगर कोई वस्तु 10 रुपये की तो उसको हमने 11 रुपये में बेच दिया, तो इसका कॉस्ट प्राइस और इधर हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर 10 रुपये की चीज़ है उसको मैंने 10% की प्रॉफिट में बेचा तो उसको मैंने डेफिनेटली 11 रुपये में बेचा होगा, राइट। दूसरे में क्या कहता है, दूसरे को 10% लॉस में बेचा है, वो भी 10 रुपये का था, उसका 10% का लॉस मतलब उसको 9 रुपये में बेचा होगा, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है सेलिंग प्राइस, जनरली ये आपको हाइड कर, ये तो मैंने आपको हाईलाइट किया कि यहाँ पे इसने दिया सेलिंग प्राइस सेम है, ये अगर ये वर्ड नहीं देता तो भी हम ये अज्यूम करते कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉन्स्टेंट है, सेम है। अब सेलिंग प्राइस सेम, लेकिन ये दोनों रेशो तो डिफरेंट है। अब हम इसको सेम बनाने के लिए हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई, ये सेलिंग प्राइस सेम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1199, ये भी 99 हो जाएगा, ये तो ये पार्ट का होगा, ये हट जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई किया अभी इधर भी हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 1110। अब हमें टोटल ये दोनों का, उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 200, इसका टोटल कितना था सेलिंग प्राइस, इसका रेशो हो जाएगा 90 198, इसका डबल सिंपली 98 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 190। अब उसने क्या बोला है, ही सोल्ड मतलब वो जो आर्टिकल था दोनों को बेच दिया, कितने में, 1980 रुपये में। तो टोटल पार्ट कितना हमारे पास, 98, मतलब क्या 190 पार्ट किसने के बराबर है, 1980 के बराबर है, तो एक पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा, 10 रुपये के, 10 के बराबर हो जाएगा, राइट। अगर एक पार्ट 10 के बराबर है, हमसे पूछा है टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल 200 है, इधर जनरली रेशो में क्या रहता है, ये एक्स रहता है, ये एक्स रहता है, 198 एक्स किसके बराबर है, 1980 के बराबर, तो एक्स बराबर आ जाएगा 10, तो इधर हमारे पास इसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना आ जाएगा, 2000, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सी पी कितना आ गया,
2000। अगर हमें सिर्फ सेपरेटली बोलता है, अगर इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए था, हम वो भी करते, तो इसको एक एक को भाई ने दोनों को 990 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 1980। तो उसने जो आर्टिकल सेल किया था 990 रुपये में सेल किया था दोनों को, अब पहले पे क्या बोला उसने 10% प्रॉफिट पाया, राइट। मतलब उसको 10% प्रॉफिट, मतलब इसको हम 10 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 900, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100, राइट। तो ऐसे उसने बेचा, मतलब 900 का चीज़ उसने कितने में बेचा था, 990 रुपये में, और 10% प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे 1110, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आपके 990 रुपये, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट, नुकसान हो रहा है। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो गया। ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम बाय टू आर्टिकल आर्टिकल राम ने दो रेडियो खरीदा 690 रुपये में, ऑन वन आर्टिकल ही गेन 10% प्रॉफिट, एंड अदर ही गेन 20% प्रॉफिट, आफ्टर दैट द सेलिंग प्राइज इज सेम। अच्छा, उसने देख लिया कि सेलिंग प्राइस सेम, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। तो सिंपली हमें उसका सेलिंग प्राइस पूछा है, तो हम बता देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। राम जी ने दो रेडियो खरीदा, राइट, पहले पे 10% का प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट प्राइस लूँ और इधर पे अगर मैं सेलिंग प्राइस लूँ, अगर दोनों में रिलेशन रेशो क्या है, एक रिलेशन बताता है, राइट, सेम टाइप ऑफ यूनिट में, तो ये हो गया। अगर 10% प्रॉफिट का मतलब क्या, 10 रुपये की चीज़ उसने 11 रुपये में बेची होगी, 1/10 ही तो होता है 10%, राइट, मतलब 1% का प्रॉफिट है, तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10%, उसको हमने 11 रुपये में बेच दिया। दूसरे को भाई ने दूसरे पे भी प्रॉफिट कमा लिया, अभी तक पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे पहले को प्रॉफिट दूसरे को लॉस दोनों में बैलेंस, राम जी की कृपा महान है, इन्होंने दोनों पे प्रॉफिट पा लिया। तो पहले कितना, दूसरे 20% का प्रॉफिट, 20% बोले तो क्या 1/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ उसने 6 रुपये में बेचा होगा, राइट, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। अब पूछने बाद में उन्होंने क्या देखा, ये तो गजब कर दिया भाई, हमने दोनों को तो सेम ही प्राइस पे बेच दिया है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है सेम है, तो हम इसको इसका सेलिंग प्राइस सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, ये दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली इसको 6 से करेंगे, इसको 11 से करेंगे, तो ये 66 हो जाएगा, ये भी 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, सिंपली 66 हो गया। अब ये अगर इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉस्ट प्राइस बुरा मान जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 60 रुपये, और अगर 11 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 55, 11 × 5 = 55। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन चुका है, राइट, अब देख सकते हैं ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका डबल कर देंगे तो इसका डबल कितना आ जाएगा 132, राइट, 6 × 12 = 13, राइट, 132 हो गया, और ये दोनों का हम ऐड करेंगे। अब बोलेंगे आप ऐड ही क्यों करते हैं, हम ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो दोनों आर्टिकल उसका एग्जैक्ट टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते कि मेरा जो टोटल कॉस्ट प्राइस था उसको मैंने दो भाग में बांट दिया, एक को इतने परसेंट प्रॉफिट लॉस के, इसको इतना दे दिया, उसको उतना दे दिया, इसलिए हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं करते, ऐड ही करते। ये टोटल कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा, ये हो जाएगा 115, भाई चलना ये 115। अब यहाँ से हमें इसने क्या पूछा है, व्हाट इज सेलिंग प्राइस पूछा है ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब 66 ईच बोले तो इसका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो राम जी ने कितने में ख़रीदा था, 690 रुपये में ख़रीदा था, तो किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर मतलब 115। यहाँ पे रेशो में जनरली क्या रहता है, इधर एक्स लगा रहता है, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डाल दूँ तो अदृश्य हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर रेशो का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो। 115 पार्ट कितने के बराबर है, 690 के बराबर है, तो एक पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा 690/115 कितना आ जाएगा 15 × 6 आ जाएगा, राइट, तो x बराबर कितना आ गया 6,
तो ये हमारे पास 6 तो आ गया। अगर आप इधर 6 डालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आर्टिकल उसने 690 में ही ख़रीदा था, उसने मतलब राम जी ने 690 रुपये में ख़रीदा था। इधर रिस्पेक्ट दे देते हैं राम जी, राइट। अब उसने पूछा है सेलिंग प्राइस उन्होंने कितने में बेचा था दोनों, तो ये 6 से हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करें अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 36 तो कितना आ जाएगा 396 रुपये। तो जो राम जी ने और जो रेडियो था, जो रेडियो उन्होंने बेचा था 396 करके उन्होंने बेच दिया। आई होप आप सभी पे राम जी की कृपा पड़ गई होगी, राम जी ने कितने में बेचा होगा पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।